Hello, my dear friends. I am Professor Vaim Khan, and we are continuing with the transportation model today. So, हमने अब तक इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसा निकालना है इसका मेथड देखा है. इसके बाद हमने इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को टेस्ट कैसा करना है इसका मेथड देखा है. हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड से टेस्टिंग की. हमने कल यानी लास्ट वीडियो में हमने यू वी मेथड यानी मोडी मेथड जो है उससे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की. तो हमको पता चलता है कि जो हमारा सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जैसे कि ये हमारा सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आता है, तो इस सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से हमको पता चलता है कि वेदर द गिवन फिजिबल सॉल्यूशन और वेदर द ऑब्टेंड फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट. जो हमने फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है वो ऑप्टिमल है या नहीं है, ये हमको इस पे से पता चलता है. सो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है, इसमें अगर कहीं पर माइनस साइन आती है, यानी माइनस का सेल अगर आता है, तो ये हमको इंडिकेशन है कि इससे बेटर सॉल्यूशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं. सो अगर मैंने माइनस वन अलोकेशन दिए यहाँ पर इस सेल को 1 3 को, तो मुझे मतलब माइनस वन अगर दिए इन द केस, यहाँ पर अगर मैंने कोई एलोकेशन दिया तो वहाँ पर मैं पर यूनिट 100 रुपये से कॉस्ट क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ. उसी तरीके से अगर मैंने 2 3 पर अगर एलोकेशन दिया तो वहाँ पर भी जो भी एलोकेशंस रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलोकेशन पर यूनिट मैं 100 रुपये कम कर सकता हूँ मेरे सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, सो इस तरीके से हम समझते हैं कि जहाँ पर भी सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स माइनस आ रहा है, सो वी कैन फाइंड बेटर सोल्यूशन. तो हम उसकी कॉस्टिंग और भी कम कर सकते हैं. तो हमने कॉस्टिंग की जो शुरुआत थी इस प्रॉब्लम के लिए 116 रुपये यानी 11,600 रुपये से शुरू किया था. 11,600 से 112 तक वो आया था कॉस्ट. फिर 112 से हमने वैम मेथड इस्तेमाल किया. वैम मेथड से वो 102 यूनिट्स आया. 102 यूनिट्स के बाद में हम और उसको रिड्यूस करेंगे, सो हम तकरीबन 1600 रुपये या 1800 रुपये तक क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू इटरेट टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन. जो हमारा गिवन फिजिबल सोल्यूशन है इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बनाना है. तो हमने मोदी मेथड से ये समझ के लिए कि हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है, ऑप्टिमल बन सकता है, बराबर है. सो मोदी मेथड में हमने सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स बनाया था. सो इस सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो कैसे फाइंड करेंगे, सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम हमारे सेल इवेल्यूएशन मैट्रिक्स में मोस्ट नेगेटिव सेल. सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सेल है और ये जो सेल है, ये दोनों भी कैसी है, नेगेटिव है. सो हम इस केस में तो माइनस वन है. अगर कोई केस है जिसमें माइनस टू है या माइनस थ्री है या माइनस फोर है, तो इन नंबर्स में से सबसे मोस्ट नेगेटिव नंबर हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. जैसे इस केस में हो जाएगा -4. सो ये मोस्ट नेगेटिव सेल हमको सेलेक्ट करना है. ओके, इस सेल को हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड सेल. क्या बोलेंगे हम इस सेल को, आइडेंटिफाइड सेल. तो जैसे कि यहाँ पर अभी -1 -1 है, ठीक है. सो इनमें से कौन सी सेल आइडेंटिफाइड है ये कैसा समझेंगे हम. तो अगर ऐसा टाई होता है तो टाई के केस में क्या करना है, जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन दिए जा सकते हैं उस सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, सो इस केस में जो है, सो मैक्सिमम एलोकेशन हम यहाँ दे सकते हैं. ओके, सो एज़ पर द एलोकेशन मैट्रिक्स, यानी जो हमारा मैट्रिक्स था ओरिजिनल, उस हिसाब से हम जब देखते हैं तो हम मैक्सिमम एलोकेशन इस -1 सेल पर दे सकते हैं. सो दिस विल बी योर आइडेंटिफाइड सेल. इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइड सेल. अब ये जो भी सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स हमने बनाया है, इट इज़ फॉर नॉन बेसिक सेल, यानी कि जो ऑक्यूपाइड सेल्स नहीं हैं, जहाँ पर एलोकेशन नहीं है, ऐसे जगह पर हमको क्या करना है, एक नया फ्रेश एलोकेशन देना है. ओके, सो ये फ्रेश एलोकेशन के लिए हमने ये मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है, मोस्ट नेगेटिव सेल जो है, उसको सेलेक्ट किया. तो यहाँ पर इस जगह पर आएगा हमारा एक फ्रेश एलोकेशन, और ये जो डॉट वाले पोजीशंस हैं इनमें से कोई एक पोजीशन से हमारे पुराना एलोकेशन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो नॉन बेसिक सेल है,
नॉन बेसिक या वैकेंट सेल है, इसको ऑक्यूपाइड करेंगे, इसको ऑक्यूपाई करेंगे, या फिर इसको हम बेसिक सेल बनाएंगे। बेसिक सेल वो है जिसके अंदर हमारा एलोकेशन है, ठीक है। सो हमको एक नॉन बेसिक से बेसिक को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ इन केस हियर ए थ्री इज सेलेक्टेड एज आइडेंटिफाइड सेल, दिस वन इज सेलेक्टेड एज आइडेंटिफाइड सेल, तो जो भी आइडेंटिफाइड सेल है उसको हम क्या करते हैं, ऐसा टिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये सेल सेलेक्ट करने के बाद या ये सेल मार्क करने से पहले हमको क्या करना है, एलोकेशन मैट्रिक्स लिखना है। एलोकेशन मैट्रिक्स क्या है, तो जो हमने एलोकेशंस ऑप्टेन किए हैं, जो हमने हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में एलोकेशंस क्या किए हैं, एलोकेशंस कितना यूनिट किधर ट्रांसपोर्ट होगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया है, इस एलोकेशन मैट्रिक्स को क्या करना है आपको, इस तरीके से लिखना है। सो इट विल बी योर एलोकेशन मैट्रिक्स। अब इस एलोकेशन मैट्रिक्स में हम मार्क करेंगे आइडेंटिफाइड सेल, जैसे कि ये वाला है। ओके, अब इस सेल से हमको क्या करना है, शुरुआत करना है। दिस इज नॉन बेसिक सेल एंड इट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू ए बेसिक सेल, वेयर एज वन ऑफ दी बेसिक सेल विल बी कन्वर्टेड टू ए नॉन बेसिक सेल। ओके, सो हियर वी हैव आइडेंटिफाइड वन ऑफ दी सेल्स, देन नेक्स्ट हियर वी हैव आइडेंटिफाइड वन ऑफ दी मोस्ट नेगेटिव सेल्स फ्रॉम सेल इवेल्युएशन मैट्रिक्स। सेल इवेल्युएशन में जो सबसे माइनस रहेगा उसको मार्क करो। ये करने के बाद में हमको क्या करना है, एक क्लोज लूप ट्रेस करना है। देखो, हमने जो एम प्लस एन माइनस वन ये वाली कंडीशन जब टेस्ट किए थे, तब हमने बताया था कि जो हमारे मैट्रिक्स होगा या जो भी हमारे एलोकेशंस होंगे, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्लोज लूप फॉर्म नहीं करना है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, यानी क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है, तो वो सेल्स रहेंगे इंडिपेंडेंट पोजीशन पे। बट इस केस में जो हमने आइडेंटिफाइड सेल बनाई है, इस आइडेंटिफाइड सेल के साथ में बाकी की एलोकेशंस ने क्या करना है, क्लोज लूप फॉर्म करना है। और ऐसा क्लोज लूप सिर्फ एक ही रहेगा इस पूरे मैट्रिक्स में। और ये जो है क्लोज लूप, शुरू वहीं से होता है, शुरू एक जगह से होता है और एक ही जगह पर ख़त्म होगा, यानी आइडेंटिफाइड सेल से स्टार्ट होगा और आइडेंटिफाइड सेल पर ख़त्म होगा। फिर इसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कनेक्ट करेंगे हमारे एलोकेशंस को एक दूसरे के साथ में। इस क्लोज लूप में हर कॉर्नर पर एक एलोकेशन रहेगा, ठीक है। और आप चाहें तो टर्न करने के लिए, यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई एलोकेशंस को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, और ज़रूरी नहीं है ये जो क्लोज लूप है ये स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगुलर रहेगा या कोई रेगुलर शेप रहेगा। इट कैन बी अ पेक्यूलियर अरेंजमेंट, इट कैन बी अ इरेगुलर शेप ऑल्सो, बट इट विल ऑलवेज हैव ओके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। सो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। फिर अगर मैं और बताऊँ तो जैसे ऐसा भी वो बन सकता है, ओके या कुछ इस तरीके से भी वो फॉर्म हो सकता है। ओके, देन इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, ओके, बट इट विल ऑलवेज हैव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो अब आइडेंटिफाइड सेल से हमको क्या करना है, जो क्लोज लूप है वो बनाना है। तो इस आइडेंटिफाइड सेल को हम एक एलोकेशन बोल के ट्रीट करेंगे अब इसके आगे। सो यहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो राइट में जाता हूँ तो राइट में कोई भी एलोकेशन नहीं है, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। लेफ्ट में जाता हूँ तो 5 है, बट 5 से अगर नीचे मुड़े तो जो लूप है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। सो ये भी नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, तो हम इधर से लेफ्ट को जाते हैं। सो 1 पे एक अलोकेशन दिखता है, यहाँ एक अलोकेशन है, यहाँ से अगर मैं टर्न करूँ तो नेक्स्ट में मुझे एक अलोकेशन मिलेगा, उससे अगर वापस से टर्न करूँ तो आगे भी अलोकेशन है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम अलोकेशन कवर हो, इसलिए 3 को अगर मैं स्किप करता हूँ, सो मैं एक पे जाऊँगा, एक पर जाने पर वापस से एक पर आऊँगा, लेकिन आगे टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये दोनों जो है मुझे क्या करने पड़ेंगे, मेरे लूप में लेने नहीं पड़ेंगे। सो मेरा लूप कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये बन गया मेरा एक क्लोज लूप। आप देख सकते हैं कि इस क्लोज लूप के हर एक कॉर्नर पर एक एलोकेशन है। ये एलोकेशन मैंने स्किप कर दिया है, जंप ओवर दीज एलोकेशन। ओके, सो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ओके, सो आगे की इसमें हम ये क्लोज लूप ट्रेस कर रहे हैं, तो इसको हम डॉटेड लाइन से ट्रेस करेंगे ताकि आपको वो ज़्यादा परेशानी ना हो आइडेंटिफाई करने में। तो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से इसको ट्रेस कर रहे हैं। अब ये होने के बाद ये हो गई हमारी सब स्टेप 3। ये स्टेप होने के बाद हमको स्टेप नंबर 4 करना है। अब इस क्लोज लूप के हर एक कॉर्नर पर हमको एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लगाना है। तो जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया, ओके, यहाँ पर मैंने क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। सो फ्रॉम दी आइडेंटिफाइड सेल, मैं यहाँ पर एक प्लस साइन दे दूंगा, यानी यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव साइन देता हूँ। इससे नेक्स्ट वाला जो भी रहेगा वहाँ मैं नेगेटिव दूंगा, उससे नेक्स्ट वाले पे वापस पॉजिटिव दूंगा, और उससे नेक्स्ट वाले पर मैं वापस नेगेटिव। तो ऐसे अल्टरनेट मुझे क्या करना है, कॉर्नर्स पे प्लस माइनस मार्किंग करना है। ठीक है, ये मार्किंग डिनोट करेगी कि यहाँ पर एक एलोकेशन ऐड होगा, यहाँ से एक एलोकेशन रिमूव होगा, यहाँ पर एक ऐड होगा, यहाँ से एक रिमूव होगा। इसी तरीके से हम जो हमारा एक नॉन बेसिक सेल है उसको बेसिक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो आगे जाते हैं। तो ये पहला मैंने मार्किंग किया, प्लस साइन दिया, फिर ये दूसरा, उससे नेक्स्ट वाला ये माइनस, उससे नेक्स्ट वाला प्लस, उससे नेक्स्ट वाला माइनस। सो ऐसे अल्टरनेट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस दे रहा हूँ। तो जितने प्लस है उतने ही माइनस रहेंगे अल्टरनेट। ओके, सो इस तरीके से हमको जाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब स्टेप नंबर 5 में जाएंगे। इस क्लोज लूप पाथ से मुझे क्या करना है, लीस्ट नेगेटिव सेल सेलेक्ट करनी है। कौन सी सेल करनी है, लीस्ट नेगेटिव, कम से कम नेगेटिव सेल मुझे इसके अंदर सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास में एक है -1 और दूसरा है -3। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है वो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो दोनों में छोटा कौन सा है, तो -1 इज़ द लीस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट, और इट इज़ द लीस्ट नेगेटिव। कम से कम नेगेटिव कौन सा है, तो -1, ये कम नेगेटिव है, -3 ज़्यादा नेगेटिव है। सो आई विल सेलेक्ट -1। ये जो -1 है, इतना एलोकेशन हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर प्लस की साइन पर ऐड करेंगे और माइनस की साइन से रिमूव करेंगे। तो हमारी प्रोसेस क्या होगी कि हमको क्या करना है, ये जो मोस्ट सॉरी जो लीस्ट नेगेटिव सेल हमने सेलेक्ट किया है, या जो लीस्ट नंबर सेलेक्ट किया है, इसको जहाँ पर कॉर्नर पे प्लस साइन है वहाँ ऐड करना है, जिस कॉर्नर पे माइनस साइन है वहाँ माइनस करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ ऐड करना है, जहाँ माइनस है वहाँ रिमूव करना है। सो ऐसा सिर्फ हम कॉर्नर्स के लिए करेंगे जहाँ पर प्लस माइनस के साइन हमने दिए हैं। और इस तरीके से हम हमारा एक नया जो एलोकेशन मैट्रिक्स है वो तैयार करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो यहाँ पर अनऑक्यूपाइड सेल था, यानी नॉन बेसिक था, यहाँ पर कोई भी एलोकेशन नहीं था, तो यहाँ पर हमने +1 एलोकेशन ऐड कर दिया। यहाँ पर 3 एलोकेशन था, माइनस साइन था, इसलिए उसमें से -1 रिमूव कर दिया। यहाँ 6 था, यहाँ पर प्लस साइन था, इसलिए इसमें +1 ऐड कर दिया। यहाँ पर माइनस साइन था, इसलिए 1 में से 1 रिमूव कर दिया। तो ये वाला जो सेल है ये हो जाएगा एलोकेशन 0, यानी ये जो बेसिक सेल है ये हो जाएगी नॉन बेसिक, और ये जो नॉन बेसिक है ये हो जाएगी बेसिक, यानी ये हो जाएगी ऑक्यूपाई और ये हो जाएगी वैकेंट। ओके, सो उसको कैसा लिखेंगे, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाली सेल है ये वैकेंट हो चुकी है, इसलिए हमने सिर्फ उसको डॉट किया और यहाँ पर एक नया एलोकेशन आ गया। ठीक है, और ये जो बाकी के रिस्पेक्टिव एलोकेशंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, चेंज हो गए हैं एज पर द रिम कंडीशन। सो ये मैट्रिक्स अभी भी बैलेंस्ड है। अगर आप देखेंगे तो दोनों भी, सप्लाई भी 17 है, डिमांड भी 17 है अभी भी। सो ये जो सोल्यूशन मुझे मिला है ये है मेरा सेकंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, यानी कि मुझे ये नए एलोकेशंस मिल गए हैं। अब इन नए एलोकेशंस के बेसिस पर मैं वापस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, सो यहाँ पर कुछ कॉस्ट 3 है, सो ये हो जाएगा 5 × 3। सो यहाँ पर कुछ है 5 है एलोकेशन, तो ये हो जाएगा 35। सिमिलरली यहाँ पर कुछ 10 एलोकेशन थे या जो भी एलोकेशन है, वो उस हिसाब से यहाँ पर सभी
में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। यहाँ पर 15 है तो दो एलोकेशंस दिए हैं, सो 15 इंटू 30 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन वन है, 11 इंटू 1 है तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ 9 इंटू 1 है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 1 है तो ये 1 हो जाएगा। सो ये सब कुल मिलाकर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो 101 आ रही है, और ये है हंड्रेड्स में। सो ये 10,100 रुपये मेरा क्या है यहाँ पर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रहा है। 100 से मैंने कॉस्ट क्या कर दिया है, कम कर दिया है। चलो गुड, बहुत अच्छा है। मैंने 10,200 थे उससे 10,000 100 100 रुपये से और कॉस्ट कम कर दिया। बट इज इट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन? क्या ये जो मिला हुआ सोल्यूशन है ये अभी भी ऑप्टिमल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, सो ये इसके लिए हमको वापस से करना पड़ेगा ऑप्टिमेलिटी चेक। ठीक है, सो ऑप्टिमेलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिला है नया वाला, इसमें एम प्लस एन माइनस वन ये नंबर ऑफ एलोकेशन से इक्वल है क्या। सो मैं यहाँ पर वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ, एलोकेशन मैट्रिक्स। तो मेरे ये एलोकेशंस है, देखो ये 1 2 3 4 5 6, सो 6 इज इक्वल्स टू 6। ओके, एम प्लस एन माइनस वन कितना होता है मेरा, 6 होता है। इसलिए मेरा ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन, ये एलोकेशंस इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है क्या? यस, ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो कैसे है, तो कोई भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकेंगे ये। देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए, इधर मुड़ गया, नहीं आएगा, इधर गया, नहीं आएगा, इधर गया, नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं बन रहा है फॉर्म। इधर आया, ठीक है, चलो यहाँ पर चांस है मुड़ने का, तो इधर मुड़ गया, तो इधर से वापस ऊपर जाऊँगा, तो ऊपर जाने के लिए अलग अलोकेशन नहीं है। चलो ठीक है, इधर मुड़ता हूँ तो इधर मुड़ गया, तो इससे भी मुड़ने के लिए ऊपर एक अलोकेशन है, वहाँ से फिर लेफ्ट को जाऊँगा या फिर ऊपर जाऊँगा, बट कोई भी अलोकेशन आगे नहीं है। सो ये किसी भी तरीके से क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, यानी ये कैसे है, इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को वापस से टेस्ट करेंगे। सो इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, फिर से मोदी मेथड का इस्तेमाल करना है। ये हमारा सेकंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। तो मोदी मेथड क्या बताती है, सब स्टेप वन में कि सबसे पहले क्या करो कि जो भी सॉल्यूशन है इसका कॉस्ट मैट्रिक्स लिखो, मतलब जो अलोकेशंस जहाँ पर है वहाँ की कॉस्ट आपको क्या करना है, लिखना है। सो इस तरीके से मैं वो लिख दूंगा। ओके, ये कॉस्ट मैट्रिक्स लिखने पर मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू आई और वी जे फाइंड आउट करना है इसी कॉस्ट मैट्रिक्स की मदद से। तो मैं यू आई और वी जे फाइंड आउट करूँगा बाई पुटिंग वन ऑफ द यू आईज और वी जे 0, तो इसको 0 करूँगा। सो 0 प्लस दिस इज दिस, सो 0 प्लस 3 इज 3, सॉरी दिस दिस विल नॉट बी 0 प्लस 3, हियर वी विल राइट, यहाँ पर अब हम 0 लिखेंगे। सो 0 प्लस दिस इज दिस, ओके, सो 0 प्लस दिस इज दिस, सो 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, देन 5 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सो 0 सॉरी 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। ओके, सो 10 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 11, सो यहाँ पर आएगा 1, सो 1 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 3, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। अगेन 5 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 9, सो 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, सो 4 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। सो ऐसा हमारा ये नया यू आईज और वी जेज आ जाएंगे। ओके, ये नए यू आईज और मेरे वी जेज मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी यू आई वी जे मैट्रिक्स की मदद से एक नया मैट्रिक्स बनाऊँगा वैकेंट वाला, और इस वैकेंट मैट्रिक्स में मैं क्या करूँगा, जो एलोकेशंस जहाँ पर हैं उनको मैं डॉट कर दूँगा, और जो वैकेंट है खाली जगह है उसके अंदर अभी सी आई जे लिखूंगा। तो सी आई जे लिखने के लिए मुझे क्या करना है, यू आई प्लस सी आई जे लिखने के लिए मुझे क्या करना है, यू आई प्लस वी जे करना है, यू आई प्लस वी जे। तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस माइनस 3 माइनस 3, -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 10 7, ओके, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। इस तरीके से मैं यू आई प्लस वी जे मैट्रिक्स निकाल दूंगा। तो ये मैंने निकाल लिया यू आई प्लस वी जे मैट्रिक्स। ये निकालने पर अब इस मैट्रिक्स को मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मैट्रिक्स जो है, ओके, ये वाला जो कॉस्ट मैट्रिक्स है इसका पूरा कंप्लीट कॉस्ट मैट्रिक्स जो है ओरिजिनल वाला जो सबसे पहले हमने लिखा है, उसमें से इस मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
सो वो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे मिलेगा ये मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब इस सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में मैं वापस देखता हूँ, एक अभी भी -1 लिखा है, यानी कि मेरा सोल्यूशन और बेटर हो सकता है। सो अगेन मेरा जो सेकंड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये अभी भी जो है वो क्या नहीं हुआ है, ऑप्टिमल नहीं हुआ है। ओके सो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेके जाऊंगा। सो आई इटरेट टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो मैं ये ऑप्टिमल सोल्यूशन वापस से ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, सो मेरा जो माइनस सेल है सबसे मोस्ट नेगेटिव, तो इसमें एक ही है, तो इसको मैं आइडेंटिफाई सेल करूंगा। ये हो गया आइडेंटिफाइड सेल। तो इस आइडेंटिफाइड सेल को हम मार्क करेंगे, इसके साथ क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। क्लोज लूप फॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस का साइन देंगे, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको वहाँ पर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लोज लूप फॉर्म कर दिया। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस माइनस करता हूँ, तो ये इस तरीके से ये आइडेंटिफाई हो गया सेल, एक क्लोज लूप बन गया, यहाँ पर प्लस माइनस के साइन, राइट, इस तरीके से प्लस माइनस का साइन। सो मोस्ट नेगेटिव क्या है इसमें, सॉरी लीस्ट नेगेटिव क्या है, तो 1 है, तो 1 प्लस की जगह पर ऐड होगा, माइनस की जगह रिमूव होगा, तो ये आ जाएगा एक नया मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये प्लस 1 यहाँ पर आ गया, ओके यहाँ पर प्लस 1 आ गया, यानी ये एक बन गया बेसिक सेल, और ये 1 -1 0 हो गया, तो ये हो गया नॉन बेसिक सेल। सो ये नॉन बेसिक सेल होने के बाद में ये मुझे मिल गया थर्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फिर से आ गया है, ओके सो अब मेरा ये जो काउंट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मैं क्या करूँगा वापस से कैलकुलेट करूँगा। तो मैं देखता हूँ ये कितनी हो गई है अभी, 100, मतलब इट इज़ अराउंड 10,000, बराबर है। सो अब ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, इसके लिए फिर से क्या करेंगे, हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे, जिसके बाद हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल आता है। तो हमको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कब तक करना है, तो जब तक हमारा सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जो हमने ये सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यहाँ लिखा है, इसमें कोई भी सेल नेगेटिव नहीं है, तब तक हमको क्या करना है, जब तक इसमें से कोई भी सेल नेगेटिव नहीं बचता, यानी वी गेट 0 और ऑल दी सेल इवैल्यूएशन प्लस, ओके सभी सेल इवैल्यूएशन प्लस या 0 अगर आते हैं, तो ही हम क्या बोलेंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है। सो व्हेन द सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव, देन एट दैट टाइम इट इज सेड टू बी दी ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो इसके बाद जो हम सेल इवैल्यूएशन करेंगे वो पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए हम वो प्रोसेस आगे और नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क हियर और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।